टीचर ने एग्जाम में निबंध लिखने को दिया बच्चे को। टॉपिक था आलस क्या होता है। तो एक बच्चा था, बकायदे हिंदी के पेपर में 3-4 पेज पहला छोड़ दिया और 5वें पेज पे लिख रहा है, मैम यह आलस है, अगर आपको और जानकारी चाहिए तो बताइए, 7-8 पेज छोड़ दे। एक बार ज्योग्राफी की टीचर थर्ड बैच वाले बच्चे से पूछी कि ये कौन सी एकदम खतरनाक नदी जिसमें लोग बह जाते हैं, बहुत बेहतरीन तरह से बहते हैं। तो बच्चे वाला खुजलाने लगा, सर उसको नहीं समझ आया, बता नहीं पाया। तब से पीछे वाला एक बैक बेंच एकदम लास्ट सीट में बैठा रहता है, जो हमेशा हवारा गर्दी करता रहता है, वो उठा बोला, मैम मुझे पता है। तो मैम भी सोची चलो कुछ नल्लों को कुछ तो पता है। बताता है, मैम भावना एक ऐसी नदी है जिसमें लोग बोलते बोलते बह जाते हैं, और खतरनाक नदी थी मैम बता रहे हैं, मतलब साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। कुछ फिर एक बार इंग्लिश की टीचर थी, एक बच्चे से पूछी कि अपने पापा का नाम इंग्लिश में बताओ। तो एक बच्चे ने अपना सर और खुजा खुजा के हर जगह खुजा लिया पहले, फिर एक मिनट बाद बोला, मैम मेरे पापा का नाम है ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। अरे कहना क्या चाहते हो? मैम बोली, व्हाट नॉनसेंस। दुनिया भर की जितनी भी इंग्लिश गाली थी उस बच्चे को बोलती, फिर बोलती हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, बोलती है बेटा हिंदी में बताओ हिंदी में। तो बच्चा बोलता है, मैम मेरे पापा का नाम है सुंदर लाल चड्ढा। एक बार की बात है, हिंदी वाली मैम भावना में बह गई और कुछ ज्यादा ज्ञान बांटने लगी। तो मैम बोली, बेटा हम लोग को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक ही वर्ड को 10 भाषा बोल रही है, सहायता करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, साथ ही साथ सहायता करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, और साथ ही साथ सहायता करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, कंट्रोल मतलब कुछ। तो एक बच्चा बीच में से एक बच्चा कूद के बोलता है, जिसमें कूदने की बहुत वो नहीं होता है, कूदने लगता है, कूद के बोलता है, एग्जाम आप एग्जाम के समय ना हमें आपकी बहुत सहायता चाहिए। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है, हमारी सहायता करें। आप खुद बोलिए, हम आप पलटिए तो मैं नहीं बता रहे हैं, पलटिए मैं आपको, आप पे भी लागू होना चाहिए। टीचर भी बेचारी कंफ्यूज हो गई, हम बोले टीचर भी सर पीट के अपने डेस्क पे बोले, इन सबको कुछ बताने नहीं चाहिए, सब लोग गलत मतलब निकालते हैं, सब बेवकूफ के बेवकूफ हैं। ये लास्ट है ना, लास्ट एक बार पूरी फैमिली शोले लेक्चर देख के आ रही थी, पूरी फैमिली तब से पति बड़ा मूड में था, पति मजाक में बोला, बसंती नाच, बहुत तेज हो रहा है। तो बच्चा देख लिया उनका, तो बड़े ऐसे मूड में बोलता, मम्मी इस कुत्ते के सामने मत नाचना, मत तुम्हें मेरी कसम है, इस कुत्ते के सामने मत नाचना, मत। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बाप का मुंह खुला खुला रह गया। मेरा ये स्टैंड अप कॉमेडी का एपिसोड अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। के बाय।